जो ऐसे सवालात हैं जो जहनों में उभरते रहते हैं अमानत बैंक के ताल्लुक से, जिनका तذکرہ आपने किया कि वो लोग जो आपके साथ थे, जो आपके साथ मुस्तकिल लगे हुए थे, उन लोगों ने पूरे तौर पर आपका साथ क्यों नहीं दिया? तो ये जो है, मैं एक दीवानगी से बैंक को लाने के लिए मैं कोई पोस्ट नहीं, जब 20 साल तक आपने जिम्मेदारी नहीं समझी, पूरी मुस्तकिल काम करते रहे पोस्ट के, देखिए लगातार कुछ भी मेरे बगैर नहीं हो सकता। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम्स थे, इसको हल किया जा सकता था। हल करना, प्रॉब्लम को हल करना। रहमान खान, अब इनका पूरा तवज्जो, पूरा एपिसोड देखें तो हर चीज में रहमान खान तवज्जो, बैंक, इंस्टीट्यूशन, इदारा, कौम की जिम्मेदारी, ये कुछ इनके पास नहीं। जो एग्जाम्पल, जो बाप या माँ बच्चे को पैदा करके, उसे परवरिश करके, उसे नौजवान करके, क्या उसको खत्म करना चाहते? कभी नहीं। कितनी भी तकलीफ हो, वही हिस्सा मैंने देखा है। हम हिंदुस्तान में हम सिर्फ मुसलमान ऐसा समझ गए हमको, हमारे साथ सबसे पहले जिम्मेदार है कौम की हालत के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुसलमान दूसरे होंगे तो आपके साथ, अगर जो तुम खुद हासिल होते तो गैर कौम आपके हासिल हुआ तो क्या बड़ी बात। आप खुद अपने कौम के दुश्मन है तो दूसरा तुम्हारा दुश्मन हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? तो आप कौम तो एक एक कौन सा इदारे बनाया? तो ये एक दास्तान इस वास्ते, दास्तान भी कहो, हिस्ट्री भी कहो, कुछ भी कहो, आने वाले नस्लों के लिए मेरी सफाई या नई सफाई, मेरी गलतियां मैं अल्लाह के सामने जवाब दूं।